In this topic, we will study about ascent of sap. Ascent of sap का मतलब plants की root water को absorb करके leaves तक पहुंचाती है. तो that mode of mechanism is ascent of sap. इसमें root hairs बहुत important role play करते हैं. हमने previous videos में root के tip की structure भी देखी थी कि किस तरह से वो अलग अलग zone में divide होती है और उसमें water absorb होकर वहाँ तक जो लीव्स होती है वहाँ तक पहुँचता है. इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज़ परफॉर्म बाय जाइलम टिश्यू. इसके लिए प्रीवियसली साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने बाल्सम प्लांट लिया और उसकी रूट को कट करा. रूट को कट करके और सैफरिन जो होता है एक रेड कलर का स्टेन होता है, तो उस प्लांट में उन्होंने रूट को डिप कर दिया. रूट को डिप करने से ये हुआ कि रूट ने वो ही जो सैफरिन था उसको एब्जॉर्ब किया. हमें ये टेस्ट करना था कि कौन सा टिश्यू इसको कंडक्ट करता है. तो रूट्स ने जब वो सैफरिन को डिप करा, हमने जब रूट की रूट को सैफरिन में डिप किया था, तो वही सैफरिन जो है वो जाइलम टिश्यू से होती हुई प्लांट को ट्रांसपोर्ट हुई. बाद में हमने जब उसकी जो वेन्स होती है उनका कलर रेड ऑब्जर्व किया और फिर उसका एक जो पिटियोल होता है उसका सेक्शन काटा लीफ का, तो हमें उसमें जाइलम वेसल जो है सिर्फ वही रेड कलर में नज़र आई, क्योंकि जो रेड कलर था वो ही ट्रांसपोर्ट हो रहा था. तो जब हमने सेक्शन काटा तो हमें जो वेसल होती है वो रेड कलर की नज़र आई. इससे ये प्रूफ हुआ कि जो वाटर का कंडक्शन होता है या रूट जिस वाटर को एब्जॉर्ब करती है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय साइलम. इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी. हमारे पास में डिफरेंट थ्योरीज आती है, हम लोग वो थ्योरीज देखते हैं. पहली थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी. इन दिस थ्योरी द एसेंट ऑफ सैप इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्स विच इज डेवलप्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल ऑफ द प्लांट. अकॉर्डिंग टू दिस लिविंग सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एसेंट ऑफ सैप के लिए या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. इसके लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी कुछ ओपिनियन दी थी, जैसे गॉड लेविस की. पहली ओपिनियन गॉडले वेस्ट, उन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू रिले पंप थ्योरी गिवन बाय गॉडले वेस्ट की देयर आर पीरियोडिक चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा. एंड मेडुलरी रेज. जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पीरियोडिक चेंजेस आते हैं एंड दीज चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप. सेकेंड ओपिनियन हमें दी थी सर जेसी घोष ने. सर जेसी घोष ने हमें ये बताया कि पल्सेशन मीन्स एसेंट ऑफ सैप जो होता है दैट इज ड्यू टू रिदमिक पल्सेशन इन द इनमोस्ट लेयर सेल ऑफ कॉर्टेक्स. स्टेम के कॉर्टेक्स में रिदमिक पल्सेशन होता है और उसी के कारण एसेंट ऑफ सैप होता है. उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट की जो स्टडी करी थी दैट वॉज ऑन द प्लांट इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट. पर उन्होंने स्टडी करी थी. देन स्ट्रॉसबर्गर, थर्ड ओपिनियन जो हमारे पास आती है दैट इज स्ट्रॉसबर्ग. अकॉर्डिंग टू हिम द लिविंग सेल डजंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप. उन्होंने कहा कि जो लिविंग सेल होती है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती. नाउ द सेकेंड थ्योरी दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी. फर्स्ट थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसमें लिविंग सेल जो है दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन एसेंट ऑफ सैप. उसमें हमारे पास में तीन साइंटिस्ट के व्यूज आए,
Godley Wesky, atmospheric pressure is responsible, Sir J.C. Bose, for that rhythmic pulsation is responsible, and in case of Strasburger, living cells are not directly related to the process of ascent of sap. However, their presence may provide favorable condition for it. Now the second theory is a root pressure theory. According to this theory, the cell wall of parenchyma is a cell in elastic nature. जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा सेल उनका नेचर जो होता है वो इलास्टिक होता है. पैरेन्काइमा सेल आर इलास्टिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर और मिनरल इन दैम इट क्रिएट्स अ टेंशन इन देयर वॉल. उसके कारण से जब वाटर और मिनरल उसमें जाते हैं तो उसे एक टेंशन डेवलप हो जाती है. And this tension tends to return to their original state. And because of this, a positive pressure is created. एक positive pressure create हो जाता है आसपास की जो भी cell होती है. And some amount of sap is pressed in. Sap is pressed in trachea element of xylem. मैटर द प्रेशर डेवलप्ड इन द वेसल इज नोन एज रूट प्रेशर. इसके कारण से जो रूट्स में प्रेशर डेवलप होता है दैट इज नोन एज रूट प्रेशर. पैरेन्काइमेटस सेल दे आर इलास्टिक इन नेचर. उनके इलास्टिक नेचर के कारण जब भी उसमें वाटर इनफ्लो होता है तो एक टेंशन डेवलप हो जाती है. एंड दिस टेंशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर. एंड दिस पॉजिटिव प्रेशर इज डेवलप्ड इन root and that is known as root pressure. In other words, a positive pressure is found in the sap of trachea element. The maximum value of this root pressure in any plant is not more than 2 atmospheric pressure. Maximum iski value 2 atmospheric pressure tak ho sakti hai, isse jyada nahi ho sakti hai. This pressure is sufficient to rise the water up to 20 मीटर. इससे हम कितना ऊपर चढ़ा सकते हैं किसी भी प्लांट में 20 मीटर. 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब इससे जो वाटर है उसकी हाइट मैक्सिमम 20 मीटर तक राइज हो सकती है. वेयर एज इन वेरी हाई वुडी ट्रीज द प्रेशर दिस प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट. हेंस दिस थ्योरी इज हैविंग द लिमिटेशंस. हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उस केस में ये जो 20 मीटर तक वाटर राइज करने वाली जो एबिलिटी होती है वो फेल हो जाती है एंड इट बिकम्स द लिमिटेशन. ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि इससे हम ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा लंबे वाले प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आते हैं. फिर हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी होती है दैट इज़ फिजिकल फोर्स थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज फिजिकल फोर्स थ्योरी. फिजिकल फोर्स थ्योरी हमें ये बताती है कि जो जो एसेंट ऑफ सैप होता है उसमें लिविंग सेल का कोई रोल नहीं होता है. इट इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू फिजिकल फोर्स. नो रोल ऑफ लिविंग सेल. इसमें जो एसेंट ऑफ सैप होगा जो वाटर का मूवमेंट होगा वो केवल और केवल लिविंग जो भी फिजिकल फोर्स होता है उनके कारण से ही होता है. जैसे इम्बिबिशन के कारण, कैपिलरी के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण. दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेल.
इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था हमें डिक्सन एंड जॉली। उन्होंने इसके लिए कुछ रीजंस बताए थे और वो रीजंस जो होते हैं वो फिजिकल फोर्स डेवलप करते हैं और उनके कारण से ही एसेंट ऑफ सैप होता है। जैसे सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि देयर इज अ कंटीन्यूअस वाटर कॉलम विच इज डेवलप्ड फ्रॉम रूट टू लीफ। डेवलपमेंट ऑफ वाटर कॉलम फ्रॉम रूट टू लीव्स। प्लांट्स जब प्लांट्स की रूट्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है, तो वो एक कंटीन्यूअस वाटर कॉलम बना देता है। वाटर यहाँ से एक कंटीन्यूअस कॉलम के फॉर्म में बन जाता है। फिर सेकेंडली उन्होंने ये बताया कि देयर इज कंटीन्यूअस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। लीव से कंटीन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमिक। जब ये कंटिन्यूस वाटर का लॉस होता रहता है तो दिस डेवलप्स अ सॉर्ट ऑफ पुल इन द वाटर कॉलम ऑफ द लीफ वेल। दिस पुल इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। इसके कारण से कंटिन्यूस जब वाटर बाहर निकलता रहेगा तो एक पुल डेवलप होता है। अ पुल इज डेवलप्ड इन द वेन्स ऑफ लीफ and that is known as transpiration pull. Leaf से water निकलने के कारण transpiration pull develop हुआ। Now due to the water loss by transpiration, the pull is developed and the water column is pulled up. This water column is pulled up because of the tension which is created by transpiration. So the continuity of water column does not break, and this reason behind that is the strong cohesive force between the water molecule. Strong cohesive force between the water molecule. Continuously transpiration से water एलिमिनेट होता रहता है और उसके कारण से एक पुल डेवलप होता है और ये पुल वाटर के कॉलम को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ खींचता रहता है। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं और उस कॉलम में कोएसिव फोर्स के कारण से सब एक के पीछे एक चेन की तरह ऊपर की साइड पुल होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कोएसिव फोर्स अकर बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। Now because of this, we can say that water is continuously moving upward, and the value of this rising developing pressure is about 45 to 207. This value is very sufficient to rise the water to maximum height, and due to the transpiration pull and cohesion force, the water is continuously rising passively. In this work, no metabolic energy is spent, nor living cell contribute. So the ascent of force is completely carried out by physical force. Continuously water is moving. No metabolic energy is ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब प्लांट्स में लीव से ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके कारण से यहाँ पर एक पुल डेवलप होता है, टेंशन डेवलप होती है और ये टेंशन इन वाटर मॉलिक्यूल्स के जो कॉलम बनता है रूट से लीव्स तक का उसको कंटिन्यूसली ऊपर की साइड पुल करती रहती है
और वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इससे ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे जैसे टेंशन क्रिएट होगी, और उस टेंशन के कारण से जो पुल डेवलप होता है उससे ये वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मूव करते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो सकता है दैट इज़ अप टू फ्रॉम 45 to 207 अप्रॉक्सीमेटली सफिशेंट होता है इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंबी से लंबे प्लांट को वाटर तक ऊपर पहुंचाने के लिए। तो जो पहले वाली प्रॉब्लम डेवलप हुई थी वो इस केस में सॉल्व हो जाती है।